हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री क्लास 12th में जो 12th चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसमें टॉपिक लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड का हम शुरुआत करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के नामकरण से, यानी नामनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड होते क्या हैं, तो इस चैप्टर की जो इंट्रोडक्टरी वीडियो थी पहली, तो उस पहली वीडियो में हम लोग जान चुके हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं। RCOOH संरचना सूत्र के जो कार्बनिक यौगिक होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं का नामकरण पढ़ना है। एक बार इस चीज़ को हम फिर से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। हमने कहा था कि जो RCOOH संरचना सूत्र के कार्बनिक यौगिक होते हैं उनको हम कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो COOH समूह होता है इसको हम कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं। RCOOH संरचना के सूत्र के यौगिक कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं, और अगर केवल COOH समूह की बात की जाए तो इस समूह को हम कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं। ठीक है, अब इसकी संरचना भी अगर देख ली जाए तो और अच्छी बात है। COOH की संरचना कैसी होती है, COOH में कार्बन से एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, जबकि एक OH ग्रुप सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। कहने का मतलब इसकी स्ट्रक्चर बन जाती है COOH। तो ये हो गई कार्बोक्सिलिक ग्रुप की संरचना। तो जिन यौगिकों में यानी कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होगा तो उन यौगिकों को हम क्या कहेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहेंगे। ठीक है, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। अब हमको करना क्या है, करना केवल ये है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल से हम कोई एल्किल समूह जोड़ दें, वो एल्किल समूह प्राथमिक हो चाहे द्वितीयक हो चाहे तृतीयक हो। यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन भी ऐड करेंगे तो भी हमको कार्बोक्सिलिक अम्ल मिल जाएगा, क्योंकि इसके पास खुद की कार्बन है, कार्बन लगाने पर हमको कोई ना कोई जो है सदस्य मिलेगा, यानी पहला ही सदस्य हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगाएं अथवा कोई भी एल्किल ग्रुप लगाएं तो हमको कार्बोक्सिलिक एसिड के सदस्य मिलते चले जाएंगे। और उसमें क्रमशः हम CH2 का जो है डिफरेंस करते जाएंगे, ना CH2 बढ़ाते जाएंगे, तो फिर हमको नए नए सदस्य आगे मिलते चले जाएंगे। तो ये है, तो इन कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण कैसे किया जाता है उस चीज़ को हमको समझना है। तो नामकरण हम कैसे करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो भी हैं इनके हम दो प्रकार के नाम रख सकते हैं, एक तो साधारण नाम, दूसरे IUPAC नाम। अब दोनों पद्धतियां जानते हैं कि जो साधारण नाम होते हैं तो उनके स्रोत से या उनके पाए जाने के स्थान से आदि विभिन्न प्रकार के स्रोत जो होते हैं उनसे उनका साधारण नाम निकाला जाता है। और IUPAC नाम तो पूरा IUPAC सिस्टम है, IUPAC पद्धति है, उस पद्धति के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, फिर उसका IUPAC नाम हमको मिलता है। तो साधारण नाम कैसे बनता है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, IUPAC नाम कैसे बनता है उसके बारे में भी बताएंगे। तो आइए देखते हैं। जो पहला सदस्य है फॉर्मिक एसिड HCOOH, तो HCOOH का साधारण नाम होता है फार्मिक अम्ल और IUPAC नाम इसका होता है मैथिओनिक अम्ल। तो फार्मिक अम्ल इसका साधारण नाम कैसे बना, तो फार्मिक अम्ल जो है, ये जो फार्मिक अम्ल है तो लैटिन लैंग्वेज के शब्द फार्मिका से बना है, फार्मिका शब्द का अर्थ लैटिन लैंग्वेज में होता है चींटी। तो जो लाल चींटियाँ होती हैं तो उनकी डंक में, डंक मारने पे हमको जो जलन महसूस होती है वो इन्हीं इसी फॉर्मिक अम्ल के कारण महसूस होती है। जो बर्रे होते हैं चींटियाँ होती हैं, जब हम काट लेते हैं हमको स्वेलिंग आ जाती है और जलन होती है और काफ़ी दर्द होती है, तो वो किसके कारण होती है, इसी फार्मिक एसिड के कारण होती है। ठीक है, तो ये फार्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है, फार्मिका में। सबसे पहले फार्मिका लाल चींटियों में ये पाया गया, तो उन्हीं फार्मिका चींटियों के नाम के आधार पर इसको हम फार्मिक एसिड नाम दिया गया, तो फार्मिक एसिड या फार्मिक अम्ल। तो ये तो हो गया इसका साधारण नाम। ठीक है, तो बाकी सबके साधारण नाम की भी चर्चा कर लेते हैं, फिर IUPAC का सिस्टम आपको पूरा बताते हैं। जो दूसरा है CH3COOH, इस कंपाउंड का नाम है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल इसका नाम कैसे पड़ा, जो एसिटिक अम्ल होता है ये सिरके का मुख्य अवयव होता है, सिरका। और सिरके को हम लैटिन लैंग्वेज में बोलते हैं एसिटम। क्या बोलते हैं, एसिटम। तो एसिटम बोलते हैं, तो एसिटम के आधार पर इसका नाम हो गया एसिटिक अम्ल। ठीक है, जो साधारण नाम है तो उसका अम हटा के एक जोड़ते हैं, तो एसिटिक, एसिड अम जोड़ के एक जोड़ देंगे एसिटिक हो जाएगा, और उसमें आगे अम्ल जोड़ेंगे एसिटिक अम्ल बन गया। ठीक है, CH3COOH।
इसके बाद में जो अगला आता है प्रोपियोनिक अम्ल। तो जो प्रोपियोनिक अम्ल है ये इसका ये दो शब्द से मिलेगा, प्रो प्लस पियोन प्लस आखिर में एक लगाते हैं, वो सब में एक एक लगाते जा रहे हैं, प्रो पियोन प्रो पियो। प्रो का अर्थ होता है प्रथम तल, पियोन का अर्थ होता है वसा। तो प्रथम तल वसा यानी जो ये वसा अम्ल होते हैं उनमें ये मुख्यतः पाया जाता है, तो इसको जो है प्रोपियोनिक अम्ल नाम दे दिया गया। इसके बाद जो ब्यूटायरिक अम्ल, ब्यूटायर हम किसको कहते हैं, ब्यूटायर जो सड़े मक्खन की जो गंध आती है, तो सड़े मक्खन की में ये ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है, तो सड़े मक्खन को हम ब्यूटायर कहते हैं। तो ब्यूटायर के आधार पे इसको ब्यूटायर, उसको ब्यूटायरिक अम्ल इसको नाम दे दिया गया। तो ये चार कार्बन वाला जो कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा ब्यूटेरिक अम्ल हो जाएगा, ब्यूटायरिक अम्ल या ब्यूटेरिक अम्ल भी इसको कह सकते हैं। ये CH3 CH2 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 CH3 यानी पांच कार्बन है, तीन इस CH2 और एक CH3 और CH3 CH2 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 CH2, ये हो जाएगा वैलेरिक अम्ल। वैलेरिक अम्ल जो ये होता है वैलेरियम पौधा एक होता है उसकी जड़ों में ये अम्ल पाया जाता है, तो वैलेरियम से फिर इसको नाम मिल गया वैलेरिक अम्ल। कैप्रोइक अम्ल क्या होता है, ये कैप्रोइक अम्ल ये होता है CH3 CH2 का होल फोर्थ COOH। ये बकरी के दूध की जो गंध होती है तो उसमें पाया जाता है कैप्रोइक अम्ल। तो बकरी के दूध को हम केपर का दूध कहते हैं, तो केपर से कैप्रोइक अम्ल बना है। तो केपर यानी बकरी के दूध से इसको सबसे पहले एक्सट्रैक्ट किया गया था, तो बकरी के दूध को केपर का दूध भी कहते हैं, तो केपर से बना है कैप्रोइक अम्ल। ठीक है, तो इसका नाम साधारण पद्धति में क्या हो गया, कैप्रोइक अम्ल। इस तरह से ये तो CH5 COOH है, ये एरोमेटिक है, बेंजीन का कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो इसको हम बेंजोइक अम्ल कहते हैं। तो ये हो गई इनके साधारण नाम की चर्चा। इसके बाद में इनके जो IUPAC नाम है वो कैसे बनते हैं, थोड़ी सी चर्चा उन पे करते हैं। जो IUPAC नाम होता है, तो IUPAC नाम जो कार्बोक्सिलिक अम्लों का IUPAC नाम होता है, तो वो होता है एल्केन प्लस ओइक अम्ल। क्या नाम होता है, एल्केन प्लस ओइक अम्ल। ठीक है, ये हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है एल्केन प्लस ओइक अम्ल। एल्केन क्या होते हैं, किसी भी जो भी कंपाउंड हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है, कार्बनिक यौगिक दिया है, उसमें हम नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे, कितने कार्बन परमाणु है, कार्बन के आधार पर उसकी हम एल्केन डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब एल्केन भी दो शब्दों से मिलके बना है, एल्क प्लस एन प्लस ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। ठीक है, तो अब इसमें दो देखिए, एल्क तो इसका पूर्व लग्न हो गया, एन इसका प्राथमिक अनुलग्न, और जो ओइक अम्ल है ये द्वितीयक अनुलग्न। तो ये दो अनुलग्न आप मिला के फिर जो है एल्क में दो अनुलग मिलाएंगे, तो एल्केन ओइक अम्ल मिलके पूरा क्या बन जाएगा, एल्केन ओइक अम्ल। क्या बनेगा, एल्केन प्लस ओइक अर्थात एल्के नोइक अम्ल। ठीक, ये एल्को नोइक अम्ल बनता, तो इसका आप पिछला नाम बनेगा एल्के नोइक। तो इसको करके देखते हैं जरा सा हम, देखिए HCOOH पहला कंपाउंड हमारे पास है HCOOH, तो इसमें हम देख रहे हैं COOH की पास खुद की कार्बन है जो कि सीधी श्रृंखला में होती है, तो इसकी कार्बन को भी काउंट करेंगे। एक कार्बन है तो एक के लिए पूर्व हम लिख देते हैं मेथ प्लस अनुलग्न, आपको एन लगाना है तो आप एन लगा दीजिए। फिर COOH के लिए अनुलग्न लिखा जाता है ओइक अम्ल, क्या लिखा जाता है, ओइक अम्ल। तो मेथ प्लस एन क्या बनेगा, मेथेन बनेगा, मेथेन प्लस ओइक अम्ल आप जोड़ेंगे तो कुल मिला के क्या बन जाएगा, मेथेन प्लस ओइक अम्ल यानी मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, ये बन गया मेथेनोइक अम्ल। अच्छा, तो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, एक कार्बन है तो आप उसका पूर्व लग्न ना लिखिए, तो इसको इसके लिए हम बताते हैं कि उसके संगत एल्केन ले लीजिए, आप संगत एल्केन ले लीजिए। एक कार्बन है तो इसकी संगत एल्केन क्या बनेगी, इसके संगत एल्केन बनेगी मेथेन, और उसके लिए आप ओइक अम्ल जोड़ दीजिए तो मेथेन प्लस ओइक क्या बनेगा, मेथेनोइक। और मेथेनोइक छोड़ के लिख के छोड़ना नहीं, इसके साथ में अम्ल जरूर ऐड करना है वरना गलत हो जाएगा, तो मेथेनोइक अम्ल ये बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया।
इस तरह से ये बन जाएगा मेथेनोइक। इसमें देखते हैं दो कार्बन है, एक दो दो के लिए हो जाएगी एथेन, एथेन प्लस ओइक अम्ल क्या बन जाएगा एथेनोइक अम्ल। तीन कार्बन है 1 2 3 तो ये बन गया प्रोपेन। तीन कार्बन की जो एल्केन है क्या बनेगी एथ्रो प्रो प्लस एन प्रोपेन, तो प्रोपेन प्लस ओइक अम्ल क्या नाम आईपीसी बन जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है हाँ फिर आगे लिखा है ब्यूटायरिक अम्ल यानी CH3 CH2 CH2 COOH। इसको हम कैसे करेंगे, इसमें हो गए चार कार्बन, एक दो तीन चार, में दो CH2 CH2 लिखा है इसका मतलब है ये लिखा हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH CH3 CH2 CH2 COOH ये लिखा हुआ है। तो इसमें कार्बन कितने हो गए 1 2 3 4। अच्छा हमने COOH से काउंटिंग क्यों की है, क्योंकि आपको पता है कि क्रियात्मक समूह जिधर से नज़दीक होता है हम उधर से नंबरिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है विशेष कि जो कार्बोक्सिलिक समूह है इससे सक्रिय जो एक और समूह है SO3H यानी सल्फो समूह जो है सल्फोनिक समूह जो है अगर ये नहीं लगा हुआ है तो फिर कार्बोक्सिलिक सबसे ज़्यादा प्रबल होता है। तो आप कार्बोक्सिलिक से ही नंबरिंग शुरू करेंगे क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है, तो एक नंबर आप कार्बोक्सिलिक समूह को देंगे। ठीक है तो यहाँ पे एक नंबर हम कार्बोक्सिलिक को गिनेंगे, फिर उसके बाद हम बड़ी से बड़ी श्रृंखला चुनेंगे वहाँ नंबरिंग कर देंगे। चार कार्बन के लिए हो जाएगा मेथेन प्लस COOH के लिए ओइक अम्ल, तो मेथेन प्लस ओइक क्या हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल वही लिखा हुआ है। सॉरी देखिए क्या निकल रहा है हमारे मुँह से, चार कार्बन है तो चार के लिए आप लिखेंगे ब्यूटेन, ब्यूटेन प्लस ओइक अम्ल तो क्या हो जाएगा ब्यूटेनोइक अम्ल। ठीक है चार कार्बन के लिए ब्यूटेन प्लस ओइक अम्ल ये बन गया इधर ब्यूटेनोइक अम्ल। ठीक है तो ये हो गए। इसी तरह से पाँच हो जाएंगे तो पेंटेनोइक अम्ल, छः हो जाएंगे तो चार पाँच छः छः के लिए हेक्टेन, हेक्टेन प्लस ओइक हेक्सेनोइक अम्ल। अगर इधर फिर ये लिखा हुआ है C6H5COOH ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो इसको हम साधारण नाम बोलते हैं बेंजोइक अम्ल, और इसको आईपीएसी में भी हम बेंजोइक अम्ल बोलते हैं। ठीक है C6H5COOH इसकी स्ट्रक्चर क्या हो सकती है, इसकी स्ट्रक्चर ये है, ये बेंजीन है हमारे पास। किसी भी ग्रुप से आप COOH जोड़ देंगे अकेला अगर है तो फिर वो कार्बोक्सिलिक हो जाएगा, लेकिन शर्त ये है कि COOH को बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है बेंजोइक अम्ल, और अगर आईपीसी में दूसरा नाम भी लिख सकते हैं क्योंकि इस ग्रुप को हम कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। इधर आगे फिनिल समूह लगा हुआ है तो इसको हम बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल भी नाम दूसरा दे सकते हैं आईपीसी में, तो बेंजोइक अम्ल या बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है ये हो जाएगा इसका आईपीसी नाम। थोड़ा सा इसमें जो है हम और आपको बताएंगे क्या चीज़ें बताएंगे, देखिए जैसे ये लिखा है ये समावयवता भी प्रदर्शित करते हैं, स्थान समावयवता प्रदर्शित कर सकते हैं, क्रियात्मक समूह समावयवता भी प्रदर्शित कर सकते हैं, प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं, तीन प्रकार की समावयवता भी ये प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे ये है यौगिक हमारे पास ब्यूटायरिक अम्ल, तो ब्यूटायरिक अम्ल एक तो ये नॉर्मल एन ब्यूटायरिक हो गया CH3 CH2 CH2 COOH। अब यहीं पे काम हम और कर सकते हैं, इसी अणुसूत्र का एक और यौगिक बन सकता है, कौन सा बन सकता है कि ये जो CH2 है इसकी एक हाइड्रोजन हम इसको दे दें तो ये ग्रुप बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ की हाइड्रोजन हटी तो हो जाएगा CH3COOH, तो इसके साथ पहले जुड़ा ही हुआ। अब इस मेथिल को हम उठा के इसके साथ जोड़ दें क्योंकि एक संयुक्ता इसकी हमने कम कर रखी है, तो ये बन जाएगी सल्फ्यूराइड CH3 का होल ट्वाइस CHOH या CH3CH CH3COOH। ठीक है ये बन जाएगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन सेम के सेम है, 3 2 5 2 7 1 8 यानी 3 3 6 7 8 8 हाइड्रोजन हो गए, दो ऑक्सीजन दोनों में हो गए, चार कार्बन हो गए 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है तो दोनों में नंबर ऑफ एटम सेम है यानी परमाणुओं की संख्या पूरे यौगिक में सेम है यानी अणुसूत्र दोनों का सेम है, संरचनाएं बदल गई हैं तो फिर एक दूसरे के क्या हैं, ये संरचनात्मक समावयवी हैं, उसमें भी कौन से हैं स्थान समूह समावयवी हैं क्योंकि इसमें जो है जो CH3 ग्रुप है उसकी श्रृंखला जो है श्रृंखला समावयवी कह सकते हैं, श्रृंखला में इसकी जो अंतर है तो श्रृंखला समावयवी एक दूसरे के हैं।
इसका आरबीसी नाम कैसे लिखेंगे, हमने कहा आपको कार्बोक्सिलिक से आप शुरुआत करेंगे, कार्बोक्सिलिक को एक नंबर, दूसरा नंबर इसका। अब जिधर बड़ी श्रृंखला हमको मिलते हम उधर घूम के चले जाते, लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ एक एक कार्बन है, तो चाहे जिसको आप तीन कह दीजिए, जिसको तीन कह देंगे तो एक मिथिल छूट जाएगा, उसको आप प्रतिस्थापी मान लेंगे। ठीक है, तो अब ये देख रहे हैं कि एक दो श्रृंखला में कितने कार्बन आए, सिर्फ तीन, और जो चौथा कार्बन है वो कहाँ छूट गया, वो पार्श्व श्रृंखला के रूप में छूट गया या प्रतिस्थापी समूह के रूप में छूट गया। तो जो प्रतिस्थापी या पार्श्व श्रृंखलाएं होती है वो आईपीसी नाम लिखने के हम पहले लिखते हैं। ठीक है, तो अगर इसको ये ना होता मिथिल तो इसका एक दो तीन प्रोपेन प्लस ओएक अम्ल यानी प्रोपेनोइक अम्ल नाम बन जाता, लेकिन अब मिथिल समूह लगा हुआ है तो इसको आप पहले लिखेंगे, दो नंबर पर लिखा है तो उसकी पोजिशन दिखाएंगे, टू मिथिल प्रोपेन प्लस ओएक अम्ल अर्थात प्रोपेनोइक। ठीक है, ये बन तो मिथिल प्रोपेनोइक अम्ल, एक तो ये हो गया। तो इस तरह से बाकी जो स्थितियां हैं, जो श्रृंखलाएं हैं, वो आप लगाकर करते चले जाएंगे। अच्छा, इसके बाद में फिर आपको क्या करना है, फिर नेक्स्ट अगला काम क्या है आपका, ये तो सब जो हमने लिखे हैं तो सब में सिर्फ एक सी डबल ओच लगा हुआ है, एक सिंगल सी डबल ओच लगा हुआ है। अगर दो दो सी डबल ओच लगे हुए हैं, यानी डाइकार्बोक्सिलिक की बात अगर की जाए, तो डाइकार्बोक्सिलिक का नामकरण आप कैसे करेंगे उसको भी जरा सा देखते हैं। ठीक है, तो डाइकार्बोक्सिलिक में दो सी डबल ओच हो सकते हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि जो सी डबल ओएच है तो उसकी एक संयोजकता फ्री रहती, तो क्या दोनों को आपस में सी डबल ओ एच के द्वारा नहीं जोड़ा जा सकता, जोड़ा जा सकता है, सी डबल ओ एच सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ एच। ठीक है, इस कंपाउंड को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, इसका अणुसूत्र साधारण रूप में ये C2O4H2 इस नाम से भी ये अक्सर पूछा जाता है, ये लिखा होता है, आप इसकी संरचना नहीं जानते हैं, ये पूछा जाता है नाम तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सी डबल ओ सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ या इसी को हम लिखते हैं C2O4H2। कभी कभी आपसे पूछा था प्रैक्टिकल में C2O4 2-, इसका नाम बताइए ये क्या है, तो आप इसका नाम आपको बताना है, जैसे इसके नाम पे इस कंपाउंड का जो साधारण नाम होता है वो होता है ऑक्सैलिक अम्ल। क्या होता है? ऑक्सैलिक अम्ल। ठीक है, ऑक्सैलिक अम्ल, इसको ऐसे लिखते हैं ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, ये तो ऑक्सैलिक अम्ल, तो ये आयन क्या हुआ, ये आयन हुआ ऑक्सैलेट आयन, ऑक्सैलिक अम्ल से ऑक्सैलेट, जैसे फॉर्मिक अम्ल होता है तो हाइड्रोजन हटाने पे फॉर्मेट आयन बनता है, एसिटिक अम्ल से हाइड्रोजन हटाने पे एसीटेट आयन बनता है, तो इसी तरह ये कौन सा आयन बनेगा, ऑक्सैलेट आयन, आपको ध्यान रखना है। और अगर यहाँ पे हाइड्रोजन ना लगे हो तो ये क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा दोनों ऑक्सीजन पे, एक पे ही तो C2O4 2- लिखा हुआ है, तो ये क्या, ये ऑक्सैलेट आयन चाहिए, ऑक्सैलेट एक ही चीजें हैं। तो साधारण नाम इसका आपने पढ़ लिया, क्या है साधारण नाम है इसका, ऑक्सैलिक एसिड। तो आईपीसी नाम क्या लिखेंगे, COOH सिंगल बॉन्ड COOH। हम देख रहे हैं कि दो कार्बन है और दो के दोनों कार्बोक्सिलिक समूह हैं, तो दो कार्बन के लिए हम लिखते हैं एथेन, क्या लिखते हैं एथेन, और दो कार्बोक्सिलिक है तो डाई और अनुलग्न हम ओइक लगाते हैं ना, तो डाई ओइक एथेन डाई ओइक अम्ल इसका बन गया आईपीएससी नाम। ठीक है, नेक्स्ट, अगर जो सी डबल ओ एच हैं वो एक सी एच टू से जुड़े हुए हैं, सी डबल ओ एच एक सी एच टू से जुड़े हुए हैं, तो अब इसमें हम देखते हैं तीन कार्बन है, तो साधारण नाम इसका होता है मैलोनिक अम्ल, क्या नाम होता है मैलोनिक अम्ल। आईपीसी नाम क्या हो जाएगा, आईपीसी नाम देखिए तीन टोटल कार्बन है, टोटल तीन कार्बन है और पहली और तीसरी पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो कार्बोक्सिलिक के लिए अनुलग्न आते हैं ओएक अम्ल, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन, पहले तो लिख लीजिए प्रोपेन 1, 3 दो बार है सी डबल ओ एच, तो डाई ओएक अम्ल, याद रखिएगा ओएक और कार्बोक्सिलिक में अंतर थोड़ा सा रखिएगा, प्रोपेन 1, 2, 3 डाई ओएक अम्ल। ठीक है, ये हो गया प्रोपेन 1, 2, 3 डाई ओएक अम्ल, ये हो गया। इसी तरह से लिख लीजिए इसको, इसी तरह से अगर
चार कार्बन हो जाए यानी CH2 सिंगल बॉन्ड COOH सिंगल बॉन्ड CH2 COOH। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, H यहाँ से शुरू करिए, HOOC यानी COOH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CHCOOC यानी COOH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 फिर सिंगल बॉन्ड COOH। ऐसे भी तो आप इसको लिख सकते हैं, दोनों सेम प्रोसेस हैं, बस हमने क्या किया है इस चेन को स्ट्रेट में बना लिया। अब देखते हैं 1 2 3 4 ऐसे लिखे चाहे 1 2 3 4 क्योंकि चेन तो कहीं ब्रेक नहीं हुई, सब बॉन्डिंग से कंटिन्यूस चल रहे हैं। चार कार्बन है तो चार के लिए हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ब्यूटेन। तो हम लिखेंगे ब्यूटेन 1,4। आप देख रहे हैं पहला जो कार्बोक्सिलिक है चौथा कार्बन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। इसी तरह अब इसके बीच में अगर आप एक CH2 और बढ़ा दें तो उससे आप कहेंगे ग्लूटरिक अम्ल, ठीक है। और इसी तरह से आप कार्बन बढ़ाते चले जाएंगे और उसके आप ऐसे नाम आप बताते चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा चलिए इसको थोड़ा सा रफ करते हैं और इसी से रिलेटेड एक दो चीज़ों के बारे में और बात करते हैं। सपोज करिए एक स्थिति ये हो CH3CH2CH2COOH सिंगल बॉन्ड COOH हमने नीचे कर दिया, तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे। अब देखिए एक COOH यहाँ पे, एक COOH यहाँ पे, श्रृंखला आपको ऐसी बनानी है कि COOH दोनों एक लाइन में आ जाए, क्योंकि COOH क्रियात्मक समूह है, हम वो श्रृंखला चुनते हैं जिसमें अधिक से अधिक क्रियात्मक समूह आ जाए, ठीक है। तो हम COOH को तो छोड़ेंगे ही नहीं, हालांकि जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा यानी क्रियात्मक समूह दो से अधिक लगे होंगे और वो भी श्रृंखलाएं एक से अधिक हैं और क्रियात्मक समूह अलग अलग श्रृंखलाओं में लगे, तब तो छोड़ना पड़ेगा। तो फिर उनको हम कैसे के लिखेंगे, उनके फिर पूर्व लग्न लेके लिखेंगे। लेकिन इस स्थिति में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक ये प्रतिस्थापी मिथिल छूटेगा, तो मिथिल इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 पे मिलेगा, इधर से करेंगे तो उनको दो नंबर पे ही मिल जाएगा। तो अब ये नियम लागू हो जाता है कि आप उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से प्रतिस्थापी नजदीक मिलता है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब दो पे मिथिल लगा हुआ है तो इसका नाम दे देंगे आप 2-methyl और टोटल कार्बन हो गए 5, तो पेंटेन 1,5 पहले नंबर पे COOH, पांचवें नंबर पे COOH, 2-methyl pentane 1,5 डाई ओइक अम्ल, ये हो गया इस कंपाउंड का IPC नाम, ठीक है। इस तरह से आप प्रतिस्थापी अगर अलग अलग लगे हुए हैं तो भी उनके IPC नाम आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अभी एरोमेटिक डाइकार्बोक्सिलिक हैं तो उनके बारे में बात करते हैं, इसको ज़रा सा रफ करते हैं फिर आगे देखते हैं जो एरोमेटिक हैं उनके बारे में, डाइकार्बोक्सिलिक के बारे में बात कर लीजिए। अच्छा जो एरोमेटिक डाइकार्बोक्सिलिक हैं तो देखिए ये बेंजीन है, एक हमने COOH यहाँ पे अगर लगाया तो दूसरा COOH हमने यहाँ पे लगा दिया, बेंजीन से दो डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो इसका जो जनरल नेम होता है वो होता है थैलिक अम्ल, क्या नाम होता है, थैलिक अम्ल। अच्छा थैलिक अम्ल नाम है, इंग्लिश में इसको थैलिक ऐसे लिखते हैं, थैलिक एसिड, ठीक है। अब रखिएगा, अब देखिए IPC में लिखेंगे एक नंबर पे ये COOH है दूसरे पे COOH है, तो जब हम COOH को प्रतिस्थापी मानते हैं तो इसके लिए हम अनुलग्न लिखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो पहले तो बेंजीन है तो लिख लीजिए बेंजीन, और 1,2 पहली और दूसरी पे हैं तो बेंजीन 1,2 डाई दो बार हैं। अब यहाँ पे हम इनको सीरीज में काउंट नहीं कर रहे हैं, जब सीरीज में काउंट करेंगे श्रृंखला में तब हम इसके लिए ओइक अम्ल लिखेंगे, जब काउंट नहीं करेंगे तब इसके लिए लिखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, बेंजीन 1,2 यानी एक पे COOH लगा है दो पे COOH, तो डाई क्या लिखेंगे, ओइक अम्ल या कार्बोक्सिलिक,
आप लिखेंगे कार्बोक्सिलिकम, ठीक है, कार्बोक्सिलिक क्यों लिखेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्योंकि यहाँ पे जो सी डबल ओ एच ग्रुप है वो चेन में नहीं है, चेन के बाहर है, यानी इनको हम प्रतिस्थापी मान रहे हैं, तो फिर इनके लिए हम ओएच अम्ल ना लिख के पूरा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, तो बेंजीन वन टू डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो ये डाई कार्बोक्सिलिक जो बेंजीन होते हैं उनका नामकरण। तो सब कुछ कर लिया है तो अब ट्राई कार्बोक्सिलिक भी जान ही लेते हैं, ठीक है। चलिए ट्राई कार्बोक्सिलिक, तो ट्राई कार्बोक्सिलिक पहले एलिफैटिक देखते हैं फिर एरोमेटिक का भी देख लेते हैं। CH3 पहले CH2 ले लो भाई, CH2 ले लो, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल ओ एच सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल ओ एच, यानी तीन कार्बन है, तीनों से तीन कार्बोक्सिलिक लगे हुए हैं। अच्छा, इन्हीं को लिखने का एक तरीका और हम बता दें, यहाँ से शुरू करिए, एच डबल ओ सी, और सी से फिर क्या जुड़ा है, CH2, फिर CH2 से क्या जुड़ा है, CH, फिर CH से क्या जुड़ा है, CH2, और इस CH2 से क्या जुड़ा है, सी डबल ओ एच, और जो बीच वाली CH है इससे फिर एक सी डबल ओ एच जुड़ा हुआ है, लिख सकते हैं इसको ऐसे, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि जो स्ट्रेट चेन है तो उसमें कितने हो गए हैं, उसमें हो गए कार्बन 5, 1, 2, 3, 4, 5, और एक सी डबल ओ एच छूट भी रहा है, तो अगर हम स्ट्रेट में इन दोनों को लेंगे तो ये छूट जाएगा। अब दोनों तीनों जो कार्बोक्सिलिक हैं एक ही प्रकार के ग्रुप हैं, तो तीनों का नाम एक जैसा रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो IUPAC है वो अपना नियम थोड़ा सा और एक बढ़ाती है, तो जो ट्राई है यानी दो से अधिक है, तो इसको नाम लिखने के लिए क्या करेंगे हम, अब हम सिर्फ इसको प्रतिस्थापी नहीं मानेंगे, इसके जैसे जितने हैं सबको प्रतिस्थापी मान लेंगे, ठीक है, सबको आप प्रतिस्थापी मान लीजिए। तो पूरी स्टेट चेन कितनी बची, स्टेट चेन बची से तीन कार्बन परमाणु हो गए, 1, 2, 3, ऐसे इधर कर लीजिए 1, 2, 3, अब देख रहे हैं तीनों पर सी डबल एच लगा हुआ है, तो स्टेट चेन में तीन कार्बन है तो प्रोपेन, क्या नाम बनेगा इनका, प्रोपेन, और 1, 2, 3 तीनों पे है, 1, 2, 3 तीन बार है, तो ट्राई सी डबल ओ एच के लिए क्या लिखते हैं आप, ओएच अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्ल, जब इसको आप प्रतिस्थापी मानते हैं तो लिखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, लिख लीजिए प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। तो हो गया इसका IUPAC नाम, साधारण नाम अगर आप पूछेंगे तो इसका साधारण नाम होता है ट्राई कार्बैलिक अम्ल, ट्राई कार्बैलिक अम्ल, कार्बैलिक अम्ल या सिर्फ कार्बैलिक, कार्बैलिक अम्ल कहिए चाहे ट्राई कार्बोक्सिलिक, ट्राई कार्बैलिक अम्ल कहिए, ये होता है IUPAC नाम, और ये होता है साधारण नाम, और प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोलिक कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये क्या हो जाएगा, IUPAC नाम, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, जो IUPAC नाम है वो आसानी से आप लिख सकते हैं, अगर ट्राई कार्बोक्सिलिक है इसको रख करते हैं, एरोमेटिक की बात हमने कही थी उसको भी जरा सा उसका भी एग्जांपल देख ही लीजिए, ये अगर पहली पोजीशन पे सी डबल ओ एच लगा हुआ है, इसके बाद तीसरी पोजीशन पे, और फिर इसके तीसरी पोजीशन पे, तीनों पे लगे हुए हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आप देख रहे हैं 1, 3, 5 यानी बेंजीन है, तो आप कहेंगे इसको बेंजीन 1, 3, 5 तीन बार लगा हुआ है, ट्राई कार्बोक्सिलिक, क्या लिखेंगे आप, ट्राई कार्बोक्सिलिक, ठीक है, यह वैसे नाम हो गया ट्राई कार्बोक्सिलिक का एरोमेटिक्स में। तो फिर ये नॉमेनक्लेचर कार्बोक्सिलिक अम्लों का हमारे हिसाब से पूरा हुआ, जो भी कन्फ्यूजन्स हैं तो आप फिर पूछ सकते हैं पर्सनल नंबर से या इसी यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके, ठीक है, बाकी इनको तैयार करिए और आगे फिर हम लेंगे जो कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं उनके प्रिपरेशन की विधियाँ, ठीक है, धन्यवाद।